अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर्स की जो असामियाँ आई हैं SNGND डिपार्टमेंट पंजाब में। 154 पोस्टें हैं, तो आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसका टेस्ट किस तरह होगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जी 154। तो जी इन 154 पोस्ट में सबसे ज़्यादा कोटा जो है वो वुमन कोटा है। 89 पोस्ट जो है वो वुमन की हैं और 43 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं। उसके अलावा मिनॉरिटीज़ और स्पेशल पर्सन की भी हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन, यानी कि आपने इंटरमीडिएट 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो आपकी सेकेंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन वाले जो हैं वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपने ए लेवल कर रखा है, आपने FSC की, ICOM, DCOM, ICS जो भी आपने इंटरमीडिएट कर रखी है 12 ईयर एजुकेशन, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डिवीजन। रिक्वायरमेंट्स इसके अलावा इंग्लिश शॉर्ट एंड स्पीड हो 70 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग स्पीड आपकी हो 35 वर्ड्स पर मिनट, और इसके अलावा आपको कंप्यूटर का MBO यानी कि आप MS ऑफिस वगैरह में काम वगैरह कर सकें। इसमें यह है कि पहले शॉर्ट एंड का टेस्ट होगा, तो जो लोग उसमें पास होंगे तो उसके बाद उनकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, जो लोग टाइपिंग स्पीड में भी पास होंगे तो उनका फर्दर जो है वो कंप्यूटर पे कोई MS ऑफिस वगैरह का टेस्ट होगा। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है मेल के लिए 18 से 25 और 5 साल रियायत शामिल करके 30 साल, और फीमेल के लिए 18 से 25 और 8 साल रियायत शामिल करके 33 साल, यानी कि मेल मैक्सिमम 30 ईयर्स और फीमेल 33 ईयर्स। जिनकी भी एज इनसे ज़्यादा है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो लोग इन सर्विस हैं तो वो NOC लेके वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो है एज का कोई इशू नहीं है, लेकिन वो मुतलका महकमे से NOC लेके अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल जी आल पंजाब, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका तल्लक है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल। अच्छा जी, टेस्ट किस तरह होगा? टेस्ट इसका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, इंग्लिश शॉर्ट एंड का टेस्ट होगा। 70 वर्ड्स पर मिनट पे आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी, जो लोग वो पास कर जाएंगे तो उसके बाद उनको टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट एंड टेस्ट पहले होगा, जो लोग उसमें से पास होंगे तो ही उनको टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। FPSC में ऐसे होता है कि वहाँ पे पहले टाइपिंग टेस्ट होता है, जो टाइपिंग क्लियर करेगा उसको शॉर्ट एंड के लिए बुलाया जाता है, जबकि PPSC में ऐसा नहीं है। PPSC में पहले शॉर्ट एंड का टेस्ट लिया जाता है, जो शॉर्ट एंड क्लियर करेगा उसको टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था जी टेस्ट का क्राइटेरिया, और फाइनल लिस्ट जो है वो इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट जो है वो उनकी वेबसाइट पर आवेदन कर दी जाती है। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट इसकी जो है वो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट 8/2023 है, 8/2023 एडवर्टाइजमेंट है, और उसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई आखिरी डेट है, 31 जुलाई से पहले पहले आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। अब चलान फी जो है वो ऑनलाइन ही पे होता है, तो आपने ऑनलाइन ईजी पैसा मोबाइल ऐप से या जैस कैश ऐप से या ऑनलाइन आप ATM से भी जो है वो इस पे जो है इसका चलान फिल कर सकेंगे। चलान फिल करेंगे तो ही एप्लीकेशन, तो ही आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी कम से कम जो है वो 90,000 होगी, क्योंकि इनका जो बेसिक में एक अलाउंस लगा हुआ है जी के वन टाइम बेसिक जो है इनका जो है अलाउंस लगा हुआ है कि आपकी जो भी करंट बेसिक होगी उसका वन टाइम, फर्ज करें आपकी 30,000 सैलरी है बेसिक, तो बेसिक के साथ 30,000 एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिला होगा। और उसके साथ इसमें इनमें एक और अलाउंस भी आया है जिसको कहते हैं यूटिलिटी अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस भी इनमें शामिल है, तो इसकी सैलरी रिजनेबल है और यहाँ पे प्रमोशन का भी काफ़ी चांस है। तो देर मत करें, आप अप्लाई करें और टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि इसके टेस्ट में तकरीबन 2 से 3 माह का अर्सा चाहिए होता है। तो 2 से 3 माह में अगर जो लोग जी शॉर्ट एंड जानते हैं तो वो फौरन इसकी तैयारी शुरू करें और अप्लाई लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।